आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 39 स्थित छाटा पात्र के कुचिया डांगा क्षेत्र में दोपहर अचानक जोरदार आवाज के साथ कई मकानों की दीवारें धनसान की चपेट में आ गई। सूचना पाकर मौके पर दक्षिण विधायक तापस बैनर्जी, पार्षद बच्चूराय चौधरी संघ, कोलियरी एजेंट उमेश यादव, मैनेजर अनिल कुमार आदि पहुँचे। विधायक बैनर्जी ने कहा कि कोलियरी प्रबंधन को कई बार भूमिगत खदान में ब्लास्टिंग करने से पहले पुनर्वासन की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, इसके बावजूद कोलियरी प्रबंधन की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जिसका यह नतीजा है। खदान की ब्लास्टिंग को फिलहाल बंद कराकर कार्य बंद करा दिया गया है। लोगों की माने तो जब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होती, कार्य नहीं करने दिया जाएगा। धनसान में पप्पू सिंह, चुन्नू बर्णवाल, भगवाल बर्णवाल एवं अशोक साव का मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। समझ नहीं रही है, एकदम चले गए बातें की व्यवस्था कर रहे, ठीक है जी, कोनो मत ही जाए ओसीपी अकाउंट चल रहे हैं, तो तो कोना बारी के रिपेयर हो गए, पहले ओसीपी चल रहे थे ना भविष्य थे ना। ओसीपी चल रहे कोलेरी रात को मेरे को जीवन जाए, एक दो ही चलते मारन भविष्य। 10 बजे बैठे थे रूम में, टीवी देख रहे थे, तो 11 बजे धड़ाम करके आवाज किया, घर फैमिली पहले दीवार गिर रहा है, तो बाथरूम का दीवार सब भसा भसा गया और मेरा रूम का बीच से करेक्ट हो गया, और कोने वाला रूम का दरवाजा बंद है, मैंने खुले ही नहीं रहा। कैसे हुआ, क्या कारण से? रात को मतलब धूमधाम आवाज ब्लास्ट ब्लास्ट होता है। कहाँ पे? यही काली पहाड़ी। काली पहाड़ी कौन जगह पे, क्या काम करता है काली पहाड़ी में? वो कोयला वाला निकालने, कोलबरी कोयला वाला खदान खदान में काम है। क्या अभी आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? अभी हम लोग रहने का वही कहाँ रहेंगे, अभी तो एमएलए साहब आए हैं, बोले हैं कि कोई व्यवस्था करेंगे। तो अभी क्या आप लोग यहाँ पर रहने में डर नहीं महसूस हो रहा? हाँ, डर महसूस हो रहा है, मगर क्या करें, कोई उपाय नहीं। आप बोले हैं कि जो कुछ उपाय लगाते हैं इस घर में मत रहो। आपका नाम? चुन्नू लाल बर्णवाल। सामने क्या उसी भी सोचे इसी ले এতে তো এতে তো ইসিএল দীর্ঘদিন ধরে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা উত্তোলন করে, এখন নির্বিচারে আমি চলে যাই করছে, এলাকার পরিবেশ দেখছে না, যেখানে সেখানে কাটতে করছে, কয়লা চাই লাভ দেখাতে হবে, প্রমোশন করতে হবে, এই এজেন্ট সাহেব আছেন এখানে। আমি 3 বার মিটিং করলাম এনাদের নিয়ে, সবাই কাউন্সিলর বা উচ্চ ছিল, এলাকার প্রতিনিধি ছিল, তা আপনি বাস্টিং করুন কিন্তু নিয়মের মধ্যে করুন, এবং নিয়মের গতি যখন বাস্টিং করলো তখন দেখলো কোনো ডিস্টার্ব হচ্ছে না। আমরা দুদিন দুজনের লোক লাগলাম, সেইটা ওদের আয়ু আসছিল, দুদিন যখন হলো তখন করে দেওয়া, তারপর আবার সেই যে অভিযোগ, সে বেশি বেশি বারুদ দিয়ে ব্লাস্টিং করা, মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কয়লা উত্তোলন করতে হবে, তার জন্য অ্যাকশন গতি যদি পাওয়া যায় 100 কে সমস্ত এলাকা ধ্বংস ধ্বংস ভেঙে ধ্বংস করে দিয়ে কয়লা তুলতে হবে। আজকে তার পরিণতি হলো 4টে বাড়ি ধসে গেল, ওই বাড়িটা আপনি দেখতেন সেই সময় যখন লোক থাকতো সে একদম সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেথ হতো, তো আমাদের এলাকাগতভাবে এটা আমরা বিনয়ের সঙ্গে বলছি, অনুরোধ করছি যে ওসিপি ব্লাস্টিং বন্ধ থাক, বাড়িগুলো রিপেয়ারিং এর ব্যবস্থা হোক, পরবর্তীকালে এটা ডিএমকে জানাবো আমরা, আজকে এক্ষুনি আমি জানাচ্ছি, জানিয়ে পরবর্তীকালে ব্যবস্থা করা হবে, এর মধ্যে কোনো মতেই যেন ওসিপি না চলে। আমরা দীর্ঘদিন এলাকার মানুষকে শান্ত করে রেখেছি, যেমন রাস্তা অবরোধ করো না, ট্রেন অবরোধ করো না, ওসিপিতে যেও না, এরপর কিন্তু মানুষকে আমরা আটকে রাখতে পারবো না, শুধুমাত্র লাভের জন্য মানুষের জীবন যাবে এটা কিন্তু হতে দেওয়া যাবে না, এটা আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথা কিন্তু ইসের কর্তৃপক্ষ আছে তা কিন্তু বলে দিলাম আজকে।